मेडिटेशन से खुद को कैसे फोकस करें। मेडिटेशन से अपने सोल को रिचार्ज कैसे करें। आइए जानते हैं पैंथर ब्लिस के इस एपिसोड में। A very warm welcome to all of you in another podcast of Panther Bliss. आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मेडिटेशन से क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हम अपने जीवन में। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था मेडिटेशन क्या होता है और कैसे करते हैं, आज के एपिसोड में हम जानेंगे मेडिटेशन से हम अपने में चेंजेस कैसे ला सकते हैं, मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मेडिटेशन से कैसे हम और फोकस हो सकते हैं, मेडिटेशन कैसे हमें लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं ब्रह्मा कुमारी मिसेज मधुबाला सिन्हा का। स्वागत है आज के एपिसोड में आपका मैम। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, जैसा कि हमने आपसे लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ी, आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आए, और हम जानते हैं कि आप प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, आपने अपने जीवन में बदलाव लाया। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे इफ़ेक्ट करता है, जैसा कि आप लोगों को भी सिखाती हैं, आपने बताया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेडिटेशन से जैसे कि हमने पहले बताया था कि कार्य क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और उससे हम अपने भविष्य को भी अच्छा बना सकते हैं। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि मन में पॉजिटिव थॉट्स होना बहुत जरूरी है और मन का एकाग्र होना। तो कैसे मन को एकाग्र करें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। अभी कुछ सोच रहा है, फिर तुरंत कुछ सोचने लगेगा, इसलिए एकाग्रता होना बहुत मुश्किल है। एकाग्रता के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स की आवश्यकता होती है। शायद पता होगा आप लोगों की मन सबसे कम अगर सोचता है तो 1 मिनट में 30 से 35 विचार उसमें आते हैं। तो उसको शांत करने के लिए किसी एक पॉइंट पर फोकस करना आवश्यक है। तो सबसे पहले मन को शांत करने के लिए अपने अंदर की यात्रा करनी होगी, अपने अंदर देखना होगा कि हमारे मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। तो विचार, जैसा कि हम जानते हैं, 4 तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और आवश्यक और व्यर्थ विचार। तो अभी का जैसा माहौल है तो उसमें ज़्यादातर नेगेटिव विचार ही आते हैं और व्यर्थ विचार। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे मन में पॉजिटिव विचार आए, तभी हमें उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, हमारी सोल पावर बढ़ेगी। तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें ऐसे जगह कनेक्ट होना होगा जहाँ से हमें निरंतर पॉजिटिविटी प्राप्त होती रहे। मैम, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि मन को एकाग्र करें, पॉजिटिव थॉट्स लाएं, तो क्या इसके लिए स्थान का भी कोई महत्व है, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा प्लेस जिसको हम अपने मेडिटेशन के लिए ही बनाएं, जैसा कि लोग करते हैं कहीं भी बेडरूम में बैठ गए या डाइनिंग हॉल में बैठ गए, तो क्या कोई स्पेशल स्थान भी बनाना पड़ता है मेडिटेशन के लिए ताकि पॉजिटिव थॉट्स वहाँ से बने? स्थान
स्टार्टिंग में तो आपको वैसा स्थान बनाना ही पड़ेगा जहाँ शांति हो, जिससे मन एकाग्र हो। कि सबसे पहले मेडिटेशन हम जानेंगे कि एक यात्रा है, कि जहाँ उस यात्रा में हमें एक मन को एक ऐसी जगह ले जाना पड़ता है जहाँ से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त, पॉजिटिव थॉट्स प्राप्त निरंतर। जैसे ही हम अपने मन को शांत करते हैं, एकाग्रचित करते हैं, अपने आत्मभाव में होते हैं, तो हमारा मन स्वयं परमात्मा की ओर लग जाता है। तो जैसे ही हमारा मन परमात्मा की ओर लगता है, तो उनमें जो पॉजिटिविटी है वो हमारी आत्मा रिसीव करने लगती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि परमात्मा से कनेक्ट करना चाहेंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ परमात्मा कौन है। हाँ, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया कि परमात्मा एक बहुत ही पवित्र शक्ति है, एक ऊर्जा है, और जो निरंतर शक्तियाँ बरसाते रहते हैं सभी सोल को, और उन शक्तियों को रिसीव करने के लिए हमें उन जैसा बनना होता है। तो जब हम एकाग्रचित होते हैं और उनसे कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले ये सवाल आएगा कि उनसे कनेक्ट कैसे हों, वो कहाँ हैं कि उनसे हम कनेक्ट हों, तो ये जानना जरूरी है। परमात्मा के रहने का स्थान सूर्य, चांद, तारा से भी पार है, एक अलग स्थान है जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है। परमात्मा एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, और उन्हें हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। तो भ्रिकुटी के बीच में हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें, दोनों आंखों के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में स्वयं को महसूस करते हैं कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में विराजमान हूँ, और धीरे धीरे यहाँ से निकल कर ऊपर की ओर चलती हूँ, जाकर परमात्मा के पास बैठ जाती हूँ। जो शक्तियाँ हैं वो मुझे आत्मा में स्वयं प्राप्त होने लगती है। अब आप जानना चाहेंगे कि उनमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। परमात्मा में कोई लौकिक शक्ति नहीं है, उनमें अलौकिक शक्ति है, और वो शक्ति आत्मा में भी है। जैसे कि हम नदी के किनारे बैठते हैं, तो नदी से कहना तो नहीं पड़ता है ना कि मुझे ठंडी हवा दो, है ना। वो तो स्वयं ही जब हम बैठते हैं तो ठंडी हवा की महसूसता होती है। जैसे ही उनसे हम कनेक्ट होते हैं परमात्मा से, तो उनमें जो शक्तियां हैं मुझे आत्मा में भरने लगती है। तो उनमें शक्तियां हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। तो हमारी आत्मा इन शक्तियों से भरपूर होने लगती है, और तब हमें संतुष्टता की अनुभूति होती है। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया मैम कि हम परमात्मा की शक्तियों से अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, हम अपने सोल को रिचार्ज कर सकते हैं उनकी शक्तियों से। तो इन सब के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या फायदा पहुंचता है हमें? हाँ, तो जब उन शक्तियों को हम स्वयं की आत्मा में महसूस करते हैं, तो सबसे पहले परिवर्तन दिखाई देगा कि मन जो सोचेगा वैसा ही कर्म होगा, वैसा ही कर्म करने लगेंगे, बुद्धि सही निर्णय देगी,
मतलब हम मेडिटेशन में मैम जैसे पॉजिटिव थॉट्स लेंगे तो हमारा लाइफ भी हमारा जिंदगी हमारी जिंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, इसलिए ही तो मेडिटेशन जरूरी है ना, क्योंकि मेडिटेशन से हमारी सोल पावर बढ़ती है। तो वही तो मैंने कहा कि हमें पता कैसे चले कि सोल पावर बढ़ रही है। सोल पावर बढ़ने का सबसे पहला चरण या परिवर्तन यही दिखाई देगा कि मन जो सोचेगा, बुद्धि सही निर्णय लेगी और कर्म भी सही होंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन हमारा यही दिखाई देगा। और नहीं तो इसके पहले तो यही होता है कि मन सोचता कुछ और है, बुद्धि निर्णय कुछ और लेती है और कर्म कुछ और होता है। अभी के समय में होता है कि कर्म पहले कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं। तो मेडिटेशन से यही बेनिफिट्स हैं कि बुद्धि सही निर्णय लेगी और मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ये बहुत अच्छा बताया मैम आपने कि हम अपने माइंड को कैसे फोकस कर सकते हैं भगवान के गुणों को धारण करके, मेडिटेट करके। लास्टली मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी कोमल एज में हैं या कॉलेज जाने वाले हैं, जॉब नए नए ज्वाइन किए हैं, बहुत स्ट्रेस है उन पे, एग्ज़ाम फियर्स भी है बहुत उन पे, काम को लेकर प्रेशर भी है, तो वो अपने माइंड को काम के लिए फोकस कैसे करें, स्टडीज़ के लिए फोकस कैसे करें और अपने माइंड के स्ट्रेस को प्रेशर को दूर कैसे करें मेडिटेशन के थ्रू? स्टूडेंट के लिए भी मेडिटेशन बहुत आवश्यक है कि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन से याददाश्त बढ़ेगी और याददाश्त बढ़ेगी तो उन्हें स्वयं फायदा महसूस होगा कि जो आंसर उन्होंने याद किया एग्जाम तक उन्हें याद रहेगी और वो सही सही आंसर लिखेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले वो पॉजिटिव सोचे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये ही आने वाला है एग्ज़ाम में और मैं सही सही लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। ये थॉट्स ना आए कि पता नहीं क्या होगा, मैंने जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा, नहीं ये नहीं सोचना है। यही सोचना है कि मैंने जो पढ़ा है वो ही क्वेश्चन आने वाला है और मैं सही का सही सही आंसर लिख रहा हूँ। तो मैम कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ दो ही क्वेश्चन पढ़ के जाए और ये मन में संकल्प लेके जाए कि यही क्वेश्चन आने वाला है, फिर तो उनका सारा सिलेबस ही छूट जाएगा। कर्म तो करना ही है, कि ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करें और मेडिटेशन सिर्फ करें तो हमारा वो सब वहाँ क्वेश्चन लिखा जाए आंसर हो जाएगा, नहीं वो नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद आई, गीता का एक श्लोक जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो यही चीज़ यहाँ भी लागू होता है। हाँ यही होता है, लेकिन हाँ इसमें है कि मेडिटेशन से आपकी सोल पावर बढ़ जाएगी जिससे आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो ही क्वेश्चन आने वाला है, मैं उसका सही आंसर लिख रहा हूँ। पढ़ना तो सारा सिलेबस है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं और बस एग्ज़ाम दे दूंगा सही सही, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ही। तो मैं उसके बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ कि कैसे आप मेडिटेशन से एग्ज़ाम फियर से भी दूर हो सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं या कंपटीशन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर और अपने वर्कलोड को लेकर, वो लोग कैसे अपने मन को फोकस करें, कंसंट्रेट करें, स्थिर करें? हाँ तो उनके लिए भी यही आवश्यक है, सबसे पहले अपने मन को कंसंट्रेट करें, झिकटी के बीच में अपनी सोल को देखें, चमकता हुआ एक सितारा, और फिर धीरे धीरे महसूस करें कि वो सितारा झिकटी के बीच से निकल कर ऊपर की ओर जा रहा है और परमात्मा के पास जाकर बैठ गया और उनसे वो शक्तियाँ प्राप्त कर रहा है। जो आपको चाहिए वो परमात्मा से कहें, उनसे प्राप्त करें और फिर शक्तियों से भरपूर होकर आकर वृक्ष के बीच में बैठ जाए। तो ये हर एक घंटे पर थोड़ा थोड़ा देर के लिए करें तो आपको
शक्तियां प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा आपने कहा मैम कि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट, मेमोरी बूस्ट और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा है मेडिटेशन। आज के एपिसोड में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा आपने नॉलेज दिया हमें। हम आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट को सुन के बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे जॉब करने वाले लोगों का फ़ायदा हो, वो मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में लाएं, अपने माइंड को स्थिर करें, चंचलता को शांत करें, परमात्मा से उनके गुणों का अवलोकन करें और अपने आप को रिचार्ज करें। थैंक यू सो मच मैम आज के एपिसोड्स के लिए। आगे के एपिसोड्स में आपसे और बातें करेंगे और जानकारी लेंगे। आगे के एपिसोड्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या कनेक्शन है। हम ये डिस्कस करेंगे कि गॉड को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं, उनको किस तरीके से चित्रित करें।